नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है एडवोकेट जिनेश सोनी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे वसीयत क्या है और इसके क्या फायदे हैं, वो नियम जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए ताकि हम खुद से वसीयत लिख सकें, और ऐसे सात विशिष्ट नियम जिसकी जानकारी अगर आम इंसान को है तो एक इफेक्टिव वसीयत वो लिख पाएगा। डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th। 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। उस प्रॉपर्टी के जरिए इफेक्टिव राइट्स को ट्रांसफर कर पाएगा और प्रॉपर्टीज किसी भी रूप में डिस्प्यूटेड नहीं होंगी। तो साथियों, आज का ये अध्याय एक आम आदमी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वसीयत क्या है और इसके क्या फायदे हैं। साथियों, जीवन और मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के पश्चात हमारी प्रॉपर्टीज का मालिक कौन होगा, ये हम अपने जीवन काल में डिटरमिन कर सकते हैं। पर हमने जीवित रहते हुए यदि किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टीज का मालिक बना दिया तो इस बात की पूर्ण संभावना है कि मालिक बनने के बाद हम उसके डिस्क्रिप्शन पर उस प्रॉपर्टी में रहेंगे जिसके हम मालिक थे। तो ऐसी स्थिति ना हो और हमारी मृत्यु के पश्चात ही वो व्यक्ति मालिक बने, जिस कारण विल एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वसीयत को एक आम भाषा में समझें तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है, जिसके जरिए प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हमारा वारिसान हो या नहीं हो, ट्रांसफर कर सकते हैं। साथियों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो व्यक्ति हमारी मृत्यु के पश्चात जो है उन प्रॉपर्टीज का मालिक बनता है। प्रॉपर्टीज को अब वो उपयोग में ले सकता है, उपभोग भी कर सकता है और बतौर मालिक प्रॉपर्टी को बेचान भी कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यह प्रोसीजर काफी सस्ता है। इतना सस्ता कि मामूली से दाम में आप वसीयत को लिख भी सकते हैं और वसीयत के अंतर्गत अपनी समस्त प्रॉपर्टीज के राइट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे उस प्रक्रिया को जिसके तहत विल लिखनी चाहिए। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज को असर्टेन कर लें जिनके संबंध में विल लिखी जानी है। प्रॉपर्टीज कितनी मूवेबल हैं, कितनी इमूवेबल हैं। नंबर दो, उनके संबंध में मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन्हें जरूर ले लें, उनकी फोटोकॉपी जरूर कराएं और उन्हें वसीयत का पार्ट बनाएं। नंबर तीन, उन प्रॉपर्टीज के डिस्क्रिप्शन को स्पेसिफिक करें उस विल के अंदर। नंबर चार, जिस व्यक्ति के नाम आप विल लिखने जा रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन भी जो है स्पेसिफिक कर दें। उसके बाद उस विल पर अपने हस्ताक्षर करें, गवाहों के हस्ताक्षर कराएं, अंगूठे कराएं। इसके अलावा आप विल को नोटराइज और रजिस्टर्ड जरूर कराएं ताकि आपकी विल डिस्प्यूटेड ना हो। साथियों, अब हम बात करेंगे उन सात नियमों की जिनकी जानकारी हर उस आम इंसान को होनी चाहिए जिसके अभाव में बिल लिखने का प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा। नियम नंबर एक, आप अपनी संपत्तियों का इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन उस विल डॉक्यूमेंट में लिखें। कारण क्या है कि कई बार हम ये लिखते हैं, दो स्कूटर, दो मकान और दो दुकान में ट्रांसफर करता हूं। ऐसा डिस्क्रिप्शन इनकम्प्लीट है, इनलीगल है, किसी भी रूप में प्रॉपर्टी राइट को ट्रांसफर नहीं करेगा। नंबर दो, जिस भी व्यक्ति के नाम आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने जा रहे हैं उसका नाम, पता, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है स्पेसिफिक कर दें। कारण क्या है कि यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो वहां पर व्यक्ति आइडेंटिफाइड नहीं हो पाएगा और उसको अपने नाम ट्रांसफर लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। नंबर तीन, विल को रजिस्टर्ड कराएं, जिसके दो बेनिफिट हैं, रिकॉर्ड तो मेंटेन हो ही रहा है। इसके अलावा जब भी आप वसीयत लिखेंगे आपको रजिस्ट्रार ऑफिस या उपपंजीयक कार्यालय जाना होगा, वहां आपकी फोटो खींचती है, वहां पर आपके साइन होते हैं और वहां पर आपके अंगूठे का निशान लिया जाता है। तो वहां पर विल की जेन्युइननेस पर डाउट करने का कारण कोर्ट के पास नहीं बसता है। नंबर चार, यदि आप अपने वारिसान के नाम पर वसीयत लिखना नहीं चाहते हैं, थर्ड पार्टी को राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उन कारणों का उल्लेख जरूर करें जिन कारणों से आप प्रॉपर्टी के राइट्स को ट्रांसफर करना नहीं चाहते हैं। नंबर पांच, उस वसीयत में यह जरूर लिखाएं कि आपने बगैर किसी भय के, बगैर किसी दबाव के अपनी इच्छा से वसीयत को जो है निष्पादित किया है। नंबर छह, यदि आप मेंटली इल हैं या मानसिक बीमारी है या आपके घर वालों की जानकारी में है तो ये जरूर स्पष्ट कर दें कि जिस समय विल लिख रहे हैं आपको कोई मानसिक बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं और आप विल लिखने में सक्षम हैं, और जरूरी हो और आप कर सकें तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूर लगाएं कि आज की तारीख में वसीयत लिखने के लिए आप कंपिटेंट हैं और मेंटली फिट हैं। और सबसे अंतिम बात जो हमें ध्यान में रखने की, यदि संभव हो तो इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी जरूर कराएं। कारण क्या है कि कई बार हमारे ही वारिसान ये चैलेंज करते हैं कि हमारे पिताजी ने दबाव में आकर जो है विल लिख दी होगी, गलती से विल लिख दी होगी, तो वीडियोग्राफी होगी तो वहां ये प्रोसीजर जो है वो काफी इफेक्टिव होगा। विल लिखते समय ये प्रोसीजर जो है आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट आप ये ध्यान रख लें कि आपने यदि कोई विल पहले से लिख रखी है तो उस विल में उसका डिस्क्रिप्शन जरूर दें, उसे इस विल के माध्यम से निरस्त कर दें। और ये ध्यान रखें कि भविष्य में यदि कोई प्रॉपर्टीज आप परचेस कर रहे हैं तो इसमें एडवांस में अंकित कर दें कि यदि मैं प्रॉपर्टीज परचेस करता हूं तो इन प्रॉपर्टीज का मालिक स्यूमोटो
वो व्यक्ति जिसके नाम विल लिखी गई है या जिस प्रोपोर्शन में उसके नाम मालिकाना हक ट्रांसफर होगा उस प्रोपोर्शन में जो है वो हो जाएगा, ताकि उसे कोई डिफिकल्टीज जो है वो फेस करनी नहीं पड़े और बार बार विल लिखने के चक्कर से आप जो है बच जाए। तो दोस्तों कितना आसान प्रोसीजर है, यदि हम अडॉप्ट करेंगे तो एक इफेक्टिव विल लिख पाएंगे और हमेशा ही अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और जिस भी व्यक्ति के नाम हम प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करना चाहते हैं निश्चित रूप से इफेक्टिव ट्रांसफर के जरिए हमारी मृत्यु के पश्चात उसे मालिक बना पाएंगे। तो दोस्तों है ना कितना आसान। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारा चैनल आप देखते रहें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।